लॉकडाउन का समय चल रहा है और हम पानी पूरी, गोलगप्पे, इन चीजों को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कब हम जाके उनका लुत्फ उठाएंगे, पर अभी वेट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं पानी पूरी, वो भी टेस्टी और चटपटे स्टफिंग के साथ। तीन अलग टाइप की चटनियाँ हैं और ये जो स्टफिंग हम बनाने वाले हैं वो आप दूसरे चाट में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे रगड़ा पूरी या फिर रगड़ा पैटिस। सो ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी और टेस्टी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पुदीने की चटनी बनाएंगे। उसमें जाता है अदरक, दो नींबूओं का रस, थोड़ी सी मिर्चियाँ, धनिया, थोड़ा सा पुदीना, नमक, आमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, काली मिर्च, लौंग, जीरा और पिंक सॉल्ट, ये ऑप्शनल है। इन सब चीज़ों को पानी डालकर ग्राइंड कर लीजिए। इसे 4 कप पानी और फिर थोड़ा सा आइस, हमारी ग्रीन चटनी तैयार है। अब हम बनाएंगे लहसुन की चटनी। हम 10 से 12 लाल सूखी मिर्च के बीज निकाल देंगे और एक 15-20 मिनट के लिए पानी में इसको भिगो के रखेंगे। थोड़ा सा लहसुन, जीरा, अदरक डालकर इसे ब्लेंड कर लेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। हमारी लहसुन चटनी रेडी है। अब नेक्स्ट हम इमली और खजूर की चटनी बनाएंगे। वार्म पानी में हम खजूर और इमली को भिगो के रखेंगे 15-20 मिनट के लिए। गर्म पानी इसलिए क्योंकि वो जल्दी सॉफ्टन हो जाता है। थोड़ा सा जीरा डालेंगे, धनिया डालेंगे, मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे। चाहिए तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हो। तो फाइनली अब हम इसके बनाएंगे स्टफिंग्स। तो ये जो येलो पीज रहते हैं उसको मैंने 2 घंटे भिगोया है और इसको 5 से 6 सीटियाँ देकर कुक किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा आलू डाला है, अभी मैंने इसमें थोड़ा सा हींग डाला है। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, जीरा और धनिया पाउडर, गरम मसाला, और इसको बहुत अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। लास्ट हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ फ्रेश धनिया। हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो देखा आपने कितने आसानी से हमने 3 चटनियाँ और ये चटपटा स्टफिंग बना लिया है बहुत ही कम समय में। बहुत ही ईजी है, बहुत ही टेस्टी है। तो आपके जो पानी पूरी खाने के सपने हैं उनको डूबने मत दीजिए, घर पे बनाइए, खाइए और आपका फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अरे एक चीज़ तो हमारी बनानी रह गई, वो है मसाला पूरी। मसाला पूरी के बिना पानी पूरी बिल्कुल अधूरी है। तो एंजॉय कीजिए। अगर आपको एक क्विक रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए।